सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल की पहली वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि आपका जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। तो आपको ये याद नहीं रखना है इसमें ये कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करना है, आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन का OH और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर मैंने आपसे बात की थी कि इपीमर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर, जो कि आपका ग्लूकोज में पहला होता है और फ्रक्टोज में दूसरा होता है, इन दो को छोड़कर अगर किसी भी कार्बन कार्बन के अराउंड मैं कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूं तो वो आपका इपीमर कहलाते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा एनोमर की। तो एनोमर में हमने इपीमर में क्या किया था, कार्बोनिल कार्बन को छोड़ दिया था, लेकिन एनोमर में क्या करते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वो आपका ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, ये जो OH है इसका ये इस तरीके से जुड़ के इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बनाई, तो पहली स्ट्रक्चर में आपका जो ये जो O था वो इस तरीके से जुड़ गया और OH आपका राइट साइड है और H जो है आपका लेफ़्ट साइड है। लेकिन अगर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर में बनाऊं उसमें आपके ये जो OH है इसको लेफ़्ट साइड कर दूं और इस H को मैं इधर राइट साइड कर दूं, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या किया, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के अराउंड मैंने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। तो ऐसी स्ट्रक्चर और ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एनोमर कहेंगे। और इन कार्बन को जिनके अराउंड ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एनोमर क्या होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन जो आता है वो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरीके से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से, ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपको दे दी और कहेगा बताइए ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बताइए म्यूटा रोटेशन शो करेगा या नहीं करेगा, ये ओसा जोन की फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, ये एसिटल फॉर्म है या हेमी एसिटल फॉर्म है, तो उसकी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा ट्रिक क्या है इन सब चीज़ों के लिए, ट्रिक ये है कि आपको क्या देखना है, आपको कंपाउंड अगर कोई दिया है तो उसमें आपको सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन देखना है। और आप जानते हैं कि एक कार्बन के चार हाथ होते हैं, मतलब वो चार बॉन्डिंग कर सकता है, तो आपको देखना है कि जो एक बॉन्ड है उसने अगर OH से बनाया हुआ है और दूसरा बॉन्ड उसने OR से बनाया हुआ है और जो आपका तीसरा बॉन्ड है वो आपका रिंग में अगर है, रिंग के अंदर है, और जो चौथा जो उसका बचा हुआ बॉन्ड है उस पर ये या तो हाइड्रोजन लगा हो या फिर कुछ नहीं लगा हो, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब जो आपका, फिर से सुनिए, जो आपका कार्बन है एनोमेरिक कार्बन उस पर अगर एक तरफ OH एक तरफ OR, एक हाथ उसका रिंग में है और एक पर H या कुछ भी नहीं लगा है, तो अगर ये कंडीशन है स्ट्रक्चर में तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, म्यूटा रोटेशन शो करेगा, ओसा जोन की फॉर्मेशन करेगा और आपका वो हेमी एसिटल या एसिटल, वो तो आप देख के उसमें ही बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं ऐसी कंडीशन है कि दोनों तरफ OR ग्रुप लगे हुए हैं और एक तरफ जो एक हाथ है उसका वो रिंग में है और दूसरा हाथ उसका जो है H लगा है या कुछ नहीं लगा है, अगर ये दोनों तरफ OR ग्रुप लगे हैं तो आपका वो पक्का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगा और ओसा जोन की फॉर्मेशन भी वो नहीं करेगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इन क्वेश्चन के बारे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो दो क्वेश्चन दिया हुआ इनमें इन्हीं सब चीज़ों को इस ट्रिक का यूज करके मैं आपको इनके आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ जो स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें आपको देखना है एनोमेरिक कार्बन, ये होगा आपका एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो ये जो कार्बन है देखिए क्यों होगा, देखिए इसका जो एक हाथ है वो अंदर रिंग में है, ये वाला जो हाथ है इसका ये अंदर रिंग में हो गया और ये जो एक बॉन्ड बना रखा है इसने ओ
और ये सब पूरा आपका आर हो जाएगा, तो ये आपका कह सकते हैं ओ आर ग्रुप हो गया। और दूसरा जो है इससे ये एच जुड़ा हुआ है, ठीक है, और चौथा जो है ये ओ सी एस टी लगा, इसका मतलब ये भी ओ आर हो गया। एक ओ आर ये हो गया और दूसरा एक ओ और आर ये हो गया, मतलब दो ओ आर लगे हुए हैं। तो दो अगर ओ आर लगे हुए हैं तो ये रिड्यूसिंग नहीं होगा, म्यूटारेटेशन शो नहीं करेगा और ओसाजोन की फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। अगर दो ओ आर लगे हुए हैं तो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, दो ओ आर अगर लगे होते हैं तो ये एसिटल फॉर्म हो गया, एसिटल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए फ्यूरेनोज है पायरेन हो जाए, तो आपके लिए फ्यूरेनोज जो होती है वो सिक्स, जो आपकी पायरेनोज, सॉरी ये पायरेनोज है क्योंकि पायरेनोज जो होती है सिक्स मेंबर रिंग होती है, और आपका जो ग्लूकोज है ये सिक्स मेंबर रिंग को पायरेनोज को फॉलो करता है, तो आपका ये तो इस चीज़ को ये पायरेनोज शुगर होगी। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप करना है। अगर ट्रिक समझ में नहीं आई हो तो फिर से बैक करके एक बार देख लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत इस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एनुमेरिक कार्बन होगा वो इसका ये कार्बन जो होगा एनुमेरिक होगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस बात को तो आप समझ गए होंगे, बताना कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका एनोमेरिक कार्बन है इस पे देखिए एक हाथ पे ओ एच लगा हुआ है, दूसरे हाथ पर सी एस टू ओ एच लगा हुआ है। तो मैंने कहा था एक हाथ आपका और एक हाथ जो है इसका ये रिंग में है, इधर ये जो हाथ हो गया इसका रिंग में होगा, एक हाथ पर ये ओ और ये आर लगा हुआ है, एक हाथ पर ये ओ एच लगा हुआ है, एक हाथ पर मैंने कहा था या तो एच लगा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कुछ भी लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है, या कुछ ना लगा हो, मैंने ये बोल दिया था सॉरी, लेकिन कुछ भी लगा हो, या तो एच लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा और म्यूटा रोटेशन शो करेगा, ओसाजोन की फॉर्मेशन शो करेगा, और आपका ये हेमी एसिटल होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही हो तो बेटा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको दे दिया जाता है डाइसेक्राइड, पूछेगा बताइए किस तरीके के बॉन्ड इसमें होंगे, अल्फ़ा बीटा होगा और कौन सा बीटा यूनिट होगा, कौन सा आपका अल्फ़ा यूनिट होगा, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा।